अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में जिस तरह कुत्तों के मसाइल देखे जा रहे हैं, कुत्ते काटने की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। लोग डरे सहमे हुए हैं, रात को देर से काम से आते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, लेकिन जब घर की तरफ जाते हैं तो वो डरते हैं कि कुत्तों का इस कदर कहर गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है कि वो घर तक जाने के लिए डर हैं। लिहाजा यहाँ पर उज्जवल नगर, गांधी नगर, अमन नगर से कई सारे लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। वो अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं कि कुत्तों का किसी तरह इलाज किया जाए। अगर एनिमल प्रोटेक्शन काउंसिल अगर उन्हें मारने के लिए यहाँ उन्हें बाहर डालने के लिए एतराज़ कर रही है तो उसके लिए लिहाजा कोई तो भी उसका हल निकाले। इस तरह से ये डर खौफ के साए में कब तक जीते रहेंगे, इसकी वजहात क्या हैं, इस तमाम बातों को लेकर आज कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज किया गया। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि कॉरपोरेशन हो और इंतज़ामिया महकमा तमाम इस पर संजीदगी से तवज्जो देते हुए इस मसले को हल कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं मकसूद मकानदार। आज जो हमारा यहाँ प्रेस मीट का ताल्लुक है कि हाल ही में हमारे बेलगाम सिटी में न्यू गांधीनगर, गांधीनगर, उज्जवल नगर, अमन नगर कई तरह के कुत्ते जो है हर एक बार किसको किसको चाबना, हर एक बार एट ए टाइम, एक बार 14 लोगों को चाबे, एक बार 7 लोगों को चाबे, हाल ही एक 3-4 महीने में कंटिन्यूसली इशू हो रहे हैं। इसके ताल्लुक से कॉरपोरेशन को कई बार मेमोरेंडम दिए गए हैं, कई बार फोन लगाकर कंप्लेंट दिया हुआ है, कई बार अपोज कॉरपोरेशन के जो भी लीडर्स है, यानी कि यहाँ के जो भी जीत कर आए हुए हमारे कॉरपोरेटर्स है, यहाँ के MLA साहब है, उन तक भी कई बार क्या है एक रेगुलर तौर पर फोन लगाकर बोलना, उनसे जाकर जिनको चाबा है उन्होंने जाकर फरमाइश करना, ये सब चीजें रिक्वेस्ट कर भी क्या है, हाल ही में एक दो दिन पहले एक बच्चों को ऐसे इस तरह बुरी तरह से डॉग अटैक कर है, एक तो बच्चे की सीरियस कंडीशन में है, उसका एक पूरा कल्ला पूरा काट करो कल्ला, यहाँ तक कि स्टिचेस डालने की भी क्या है काबिलियत में नहीं है वो। अगर डॉक्टर ये राय दे रहे हैं कि उसके कल्ले को जो भी इश्यूज होकर है वो उसका क्या है प्लास्टर सर्जरी करना पड़ेगा, ये भी बोल रहे हैं। और जो उसको दिमाग पास होकर है, जो सिर में काट कर है, वो 3 इंच अंदर जाकर है, 3 इंच जो जख्म है वो अंदर जाकर है। डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि इंजेक्शन करने के बाद भी ये जख्म का इन्फेक्शन है बढ़ेगा या कम होगा इसकी गारंटी भी हम नहीं दे सकते। तो ऐसी सब क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी हमारे कॉर्पोरेटर जो जिता कर लाए हैं या अवाम जो यहाँ आकर है इनको वोट डालने के बाद हमारी जो कंप्लेंट लेके जाने के बाद भी वो केयरलेस कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कॉर्पोरेटर्स है या हमारे यहाँ की जो बेलगाम के हमें कॉर्पोरेशन को मेमोरेंडम देने आए थे कमिश्नर चीफ ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार है या हेल्थ ऑफिसर उसके जिम्मेदार है। वो बच्चे 3 दिन से हॉस्पिटल में, अभी तक बच्चों का जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है अभी तक भी आकर उनको विजिट नहीं कर रहे हैं, अभी तक भी हायर ऑफिसर्स आकर उनको विजिट नहीं करे। ये पूरी गलती को ताई किसके है या फिर आवाम उसके वास्ते जदोजहद नहीं कर रही, या तो प्रोटेस्ट नहीं कर रही, या तो फिर जो हमारे लीडर जीत कर आकर है कॉर्पोरेटर जो भी है, या तो उन बच्चों के लिए कुछ भी ये चीज नहीं कर रहे। कोई कॉर्पोरेटर भी अभी तक नहीं, एक बार सुनिया है कि एक कॉर्पोरेटर आकर उनको विजिट कर गए थे, उसके बाद में बच्चे का वो उनके वालिद साहब की वो हालत भी नहीं है, उनका उतनी सैलरी भी नहीं है कि वो बच्चे का इलाज कर सके, तो गवर्नमेंट के तरफ से हमारा यहाँ वालिद है उनका उनका ये भी नहीं है कि वो उतना बच्चों के वास्ते ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करे। वो साथ ही साथ देखा जाए तो उसको जो गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम है एक दांत लगे तो 10,000 रुपए। मैं अजी जाना एक कॉर्पोरेशन से डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चे का जो भी इलाज का खर्चा है उसे हायर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर वो बच्चे का जो भी मुआवजा है, जो भी इसका खर्चा है पूरा कॉर्पोरेटर उठा कर दे और उसके फैमिली का जो भी उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई करे। हमारे जल्द से जल्द करे बच्चे के ऊपर जो भी होने वाले, एक 4 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है। हाल ही में 5 साल का हाल ही में ऐसे इश्यूज हमारे बेलगाम सिटी हो या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हो बहुत तरह से देखे जा रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कॉर्पोरेशन जो है जिम्मेदारी और एहतियाती कदम उठाए। अगर ये बच्चे का जो भी इश्यूज क्लियर नहीं होगा तो हम जुमेरात के दिन वापस DC ऑफिस के सब बड़े पैमाने पे ऐलानात करके क्या प्रोटेस्ट करेंगे। आज इस मुकदमे पे आज प्रेस मीट देने की वजह ये हुई कि यहाँ पे आज इलेक्शन ड्यूटी की वजह से पूरे जो ऑफिसर्स है वो इलेक्शंस के ड्यूटी में लगे हैं, कर हम छोटी से प्रेस मीट कर ये जो हमारा प्रोग्राम है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन भी इस बात का ख्याल रखे कि ऐसे इश्यूज के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेकर टेक ओवर कर काम करे। ये सिर्फ कुत्तों का इशू नहीं, हर एक इशू है, कचरे का इशू है, हर एक डिमांड है हमारी। आज सिर्फ जो कुत्ते के लिए हम आकर है, जो बच्चों के लिए भी जो हादसा होकर है, ये बहुत गंभीर हादसा है, बेलगाम सिटी एक दर्दनाक हादसा है, एक शर्मनाक है हमारे कॉर्पोरेशन के लिए, शर्मनाक है उनके स्तर है चीज। तो हम ये इस बात के कंडम करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों का क्या है
वो जल्द से जल्द फिक्र कर बच्चों को मुआवजा वो अफदाई कर दे। ये एनिमल प्रोटेक्शन काउंसिल्स वगैरह बनाए गए हैं, पहले तो कुत्तों को मार दिया जाता था अगर पागल होता था या कुछ इस तरह के, अभी नहीं था, अब मार भी नहीं सकते, अगर बाहर जाकर जंगल में छोड़ देते हैं तो वो फिर वापस आ जाते हैं, इस तरह के मसले वो बता रहे हैं। जो मसले हो रहे थे इसके लिए नेशनल में, नेशनल जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी ये कुत्तों का जो पिटीशन है अभी भी पेंडिंग में है कि कुत्तों को पहला मारना जायज, कोई भी मार सकता था, कुछ इश्यू नहीं था। अभी अगर आप कुत्तों को मारेंगे तो उसके ऊपर जुल्म भी है, कुत्तों को मारना जुल्म भी है, तो इसके वजह से जो कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर जल्द से जल्द क्या है सो उसका एक्शन लेकर काम करे। ऐसे भी नहीं कि ये गुस्से में आकर जाकर गली के पूरे कुत्तों को मार दे और एक इश्यू क्रिएट हो, और कुत्तों को मारना भी क्या है एक हिसाब से गवर्नमेंट के से गुनाह है, एक जुर्म है। तो इसके वजह से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुत्तों का जो भी इश्यूज नेशनल, और आज यहाँ पे ये हालत हुई है हमारे इंडिया के अंदर, यहाँ इंसान को वैल्यू नहीं है, आदमी को वैल्यू नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट के नजर में हो या एक अपोजिशन के नजर में हो, यहाँ पे इंसान की वैल्यू नहीं है, कुत्तों की जानवरों की वैल्यू है, और जो अपोजिशन का जो रोल निभा रहे उनकी यहाँ पे क्या भी ये नहीं है, जो सत्ता पे आने के बाद काम नहीं कर रहे उनको मर्यादा वगैरह है यहाँ पे। ये हमारे मुल्क का हालात है, और ये मुल्क के हालात जब तक आवाम नहीं सुधरेगी तब तक मुल्क के हालात भी नहीं सुधरेंगे। आपका जो सिर्फ वोटिंग का जो पावर है, आप खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्लम एरिया है वहाँ के सिर्फ वोटिंग बोलकर इन्हों क्या है इश्यू सुखा वाले, सिर्फ वोट डालना वोट बैंक बोलकर काम कर रहे हैं, दूसरा इनके पास कोई भी नहीं है। ये कल इनके घर में आज दो बच्चों को चाप करे, कल वो बच्चों के तरह से वो बच्चे मर भी गए तो इनके उस तरह आवाज उठाने वाला कोई अपोजिशन नहीं है, सिर्फ नाम के लिए जो है आपको वोट के इस्तेमाल से इस्तेमाल किया जा रहा है, बस यही है। इलेक्शंस का मौका है, किसके अगेंस्ट में है, इलेक्शंस के तालुक से मैं बात नहीं कर रहा, फिर भी एक होने के नाते मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, एक शहरी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, कि हमारे वोटिंग की वैल्यू अगर हमने दिखाना है तो सबको एकजुट होकर, ये बच्चों का मसला है आज, इस बच्चों के मसला है, इस वालिद का मसला है, कल मेरे भी बच्चों को चाप सकता है, आप सबके भी बच्चों रहते हैं उसी गली में उनको भी चाप सकता है, हर एक आवाम को भी उस चीज की खबर लेनी है कि हर एक आवाम भी उठ कर क्या इसके ऊपर एक्शन लेना है।